You it's cool, ah. Uh, uh. Please tell me how you stay so cool, ah. Uh. So why you acting like a fool, ah? Uh, uh. Trying my best to get you, ah. Uh. Sometimes I feel that you're just. हे फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल और आज आपके साथ मैं मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ यह है ब्लैक स्मोकी आईज आप इसे किसी भी ऑफिस पार्टी में या किसी भी कोई भी एज uh, ग्रुप में कर सकते हैं और ब्लैक स्मोकी आइज़ ना आप किसी भी आउटफिट के साथ कर सकते हैं वो इंडियन भी हो सकता है तो वेस्टर्न भी हो सकता है तो यहाँ पर मैंने गुड वाइफ्स का टोनर यूज़ किया है उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ करी है डर्मरॉक की स्किन टाइटनिंग फेस जेल और इसे मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा तो एन वाई बे का यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एज अ हाइलाइटर अपनी आइज़ को कंसील कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है तो बहुत ही वाटर बेस्ड है और बहुत ही लाइट कवरेज है तो आप इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लाइंडर से मैं ब्लेंड कर लूँगी मेक श्योर आप ब्यूटी ब्लाइंडर को अच्छे से वाटर में डिप करके उसे वाइप आउट करके फिर उसे यूज़ कीजिए पाउडर से सेट कर लिया है यहाँ मैंने अपना बेस और अपनी आईब्रोज़ को ब्रश से हल्के हल्के हैंड से सेट कर लूँगी और उसके बाद मैं अपनी आइज़ को फिल कर लूँगी आईब्रो फिलर से तो इसको बहुत ज़्यादा मैंने डार्क नहीं रखा है नेचुरल ही रखा है अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आईज़ मेकअप कैसे करना है बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं आप आराम से घर में कर सकते हैं तो यहाँ मैंने सबसे लाइटर ब्राउन शेड लिया है एक लाइन क्रीज़ करने के लिए कि हमें किस लाइन तक अपना आई आई मेकअप रखना है और बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना और कैसे कैसे करना है तो आगे वीडियो देखते रहिए तो यहाँ पे मैंने एक फ्लफी ब्रश से थोड़ा सा एक आई क्रीज़ कर लिया है ताकि उसको अच्छे से मुझे पता चल जाए कि मुझे किस लाइन तक अपना आई मेकअप रखना है अच्छा जब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो कि आपको अपनी आइज़ पे क्या मेकअप करना चाहिए आपके आउटफिट के साथ क्या मेकअप जाएगा तब आप ना ब्लैक स्मोकी आइज़ या ब्राउन स्मोकी आइज़ कर सकते हैं और ये दोनों स्मोकी आइज़ मेकअप जो होते हैं ना हर मेकअप के साथ और हर आउटफिट के साथ जाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ मैंने आ, एक काजल लिया है आप कोई भी काजल ले सकते हैं मैंने यहाँ हिमालय का काजल लिया है उसे ब्रश से एज ए लाइनर लगा रही हूँ इसे जब हम लगाएंगे ना हल्के हल्का हमें लगाते हुए जाना है और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से तो पहले यहाँ मैंने एक फ़्लैट ब्रश लिया है उसको हल्के हल्के हैंड से मैं उसे सेट करूँगी आप देख सकते हैं यहाँ एक फ्लैट ब्रश ले लिया है मैंने और उससे हल्के हल्के हैंड से ऊपर की तरफ मैं इसे ब्लेंड करना शुरू कर दूँगी और जब आप इसे ब्लेंड कर लेंगे ना तो आपका जो आई मेकअप होगा जो काजल होगा थोड़ा सा लाइट भी हो जाता है तो डोंट वरी आप इस पर ब्लैक आई यूज़ कीजिए जब आप काजल यूज़ कर लेंगे उसके बाद तो तो आपका जो ये मेकअप होगा ना एकदम जेड ब्लैक आई स्मोकी हो जाएगा और ऊपर हल्की सी ब्राउन आईज दिखेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है तो इसे इस तरीके से मैं ऊपर की और धीरे धीरे करके ले जा रही हूँ आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों आँखों में अगर आप मेरी लेफ्ट आई पर देख पा रहे हो तो यहाँ बहुत छोटी लग रही है और ये वाली बहुत बड़ी लग रही है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें कैसे मेकअप करने से पूरे ऊपर की तरफ पीछे की तरफ लेके जाना है तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का एक लिया है अपने ब्रश में कलर लिया है जो मैंने अपनी क्रीज आइज़ पे लगाया था और इसको अच्छे से ब्लेंड करते हुए ऊपर की ओर ले जाना है और यहाँ पे मैंने एन वाई बे का का लाइनर लगा रही हूँ मेरे पास दूसरा वाला लाइनर नहीं था तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया काजल लगाया है और उसके बाद मैंने अपनी अंडर आइज़ पे भी थोड़ा थोड़ा सा यही ब्राउन कलर को ले लिया है और उसको ब्रश की हेल्प से दोनों को मर्ज कर दिया है और यहाँ मैंने अपनी फॉल आई आई लेशेज़ लगा ली है अगर आपको लगता है आपके फेस पर एक्स्ट्रा कुछ हो गया तो आप उसे पाउडर की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं हल्की सी कंटोरिंग कर ली है और ये हो गया है मेरा परफेक्ट मेकअप तो आप अगर किसी पार्टी में जाने की ट्राई कर रहे हैं या आप पार्टी में प्लान कर रहे हैं जाने या सैटरडे संडे वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये वाला मेकअप एक बार ट्राई कीजिएगा इट्स वेरी सिंपल आप बहुत प्यारे लगेंगे और यहाँ पे मैंने एन वाई बे के टू इन वन लिपस्टिक यूज करी है अच्छा लिप्स को मैंने ओमब्रे लुक दिया है तो यहाँ पर मैंने डार्कर शेड को एक आउटलाइन क्रिएट करा है और इसका जो लाइटर शेड है उसको मैंने अंदर फिल करा है तो इससे आपके लिप्स ना काफ़ी फिलर एंड फुलर लगते हैं और उसको फिर मैंने जो लाइट ग्लिटरी ब्राउन शेड था ना उससे अपने लिप पे हल्का हल्का लगा लिया है तो इस तरीके से बहुत प्यारा लगता है आप देखिए ये मेरा फाइनल लुक निकल के आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है पता है ना लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय